हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे विथ आवर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 12। और जो पिछली बार मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे, ओके, फॉर योर सेल्फ स्टडी, उसके आंसर्स पहले हम देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और वो स्टेटमेंट थे आपके, पहला स्टेटमेंट जो था वो था, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि LAC को म्यूचुअली किसी ने भी जस्टिफाई या एक्नोलेज नहीं किया है, ना तो इंडिया ने ना ही चाइना ने। और इसी की वजह से हमें वहाँ पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। कोई भी डिफाइंड बाउंड्री हमारे बीच नहीं है। The eastern sector of India and China border witnesses the most number of Chinese transgressions. So this is also wrong. Why this is wrong? Because eastern ho gaya matlab Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh se zyada transgression kahan dekhne ko milta hai? Ladakh wala jo area hai. To wahan pe Chini sainik zyada ghuske aa jaate hai. Wo wahan pe zyada invasion karte hai. Isiliye ye bhi galat hoga. Which of the statement given above not correct? To dono hi गलत है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। ओके, आई होप एवरीवन ऑफ यू हैज गॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कांगरा टी। स्टेटमेंट वन, इट हैज द हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड कैन बूस्ट इम्यूनिटी, सो दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर टू, इट हैज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेटस, उसको GI टैग मिला हुआ है। हाँ, मिला हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बोथ वन एंड टू, दोनों ही आपके स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मेलेथियन इज इफेक्टिव अगेंस्ट लोकस्ट अटैक। ओके, तो अगर लोकस्ट को दूर भगाना है तो जनरली कौन से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उस केमिकल्स में कौन सा सब्सटेंस रहेगा, मेलेथियन नाम का सब्सटेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, विथ रेफरेंस टू टियानवेन वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इट इज अ मार्स मिशन ऑफ चाइना। चलिए, तो ये भी सही है, जिसको जुलाई के जून के एंड तक या जुलाई के स्टार्टिंग में इसको भेजा जाएगा मार्स के लिए। इट विल मेक चाइना द थर्ड कंट्री टू अचीव अ मार्स लैंडिंग after the USSR and the United States. So this is also absolutely correct. Okay, देखिए, इंडिया मार्स तक नहीं पहुँच पाए, अभी तक हम मार्स की ऑर्बिट तक ही पहुँच पाए हैं, मार्स की सरफेस में अभी तक हमने लैंड नहीं किया है। ओके, सो चाइना विल बी द थर्ड कंट्री टू रीच मार्स। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। तो ये थे आपके चार सवाल, आई होप आप सभी को सही आंसर मिला होगा। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्रपोज्ड एक्सपांशन ऑफ G7। हमें पता है कि COVID-19 की वजह से G7 के जो समिट जो होने वाली थी जून में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है टिल सितंबर, और मे बी आफ्टर दैट आल्सो। कि अब देखिए, इस बार G7 की होस्टिंग कौन कर रहा है, होस्ट कौन है, USA। और ट्रंप ये नहीं चाहते, प्रेसिडेंट, ओके, अमेरिकन प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते कि G7 की मीटिंग को वर्चुअली कंडक्ट किया जा सके। क्यों? अगर वर्चुअली कोई चीज़ आप कंडक्ट करोगे तो काफ़ी सारे इश्यूज वहाँ पे जो होंगे चाइना के खिलाफ, वो आप वहाँ पे ठीक से नहीं उठा पाओगे। सो इसीलिए फेस टू फेस पर्सनली मिल के ट्रंप बात करना चाहते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं ऑन G7 फोरम। और इसी वजह से ट्रंप ने उसको पोस्टपोन कर दिया कि जब तक COVID-19 स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक COVID-19 जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक कुछ टाइम के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। ओके, और एक पिछले काफ़ी दिनों से ये रिपोर्ट्स आ रही है फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया के G7 के सारे ही जो कंट्रीज हैं वो अब इस ग्रुप का एक्सपांशन चाहते हैं, और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मिलाकर ये लोग G10 बनाना चाहते हैं। ओके, और G10 या तो G11, अगर रशिया को इंक्लूड कर लिया गया इसमें तो G11 हो जाएगा। ओके, बट G7 के कंट्रीज, रशिया आगे भी
G7 में ऐड होके G8 बना चुका है, और फिर रशिया और यूएसए के बीच में क्लैशेस होने की वजह से यूएसए ने रशिया को निकाल दिया था बाहर G7 से। तो रशिया के वापस आने पर G7 के काफ़ी सारे कंट्रीज को दिक्कत है, ओके, कि अगर रशिया वापस आता है तो वापस यूएस एंड रशिया के बीच ईगो क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो काम सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं होगा। बट यूएस ये चाहता है कि अगर चाइना को एशिया में काउंटर करना है तो इंडिया के साथ साथ रशिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप अगर रशिया को इंक्लूड नहीं करते हो G7 में, तो इफेक्ट क्या होगा कि रशिया हेल्प कर लेगा किसकी, चाइना की। और अगर रशिया और चाइना मिल गए और सामने चाहे कितने भी कंट्रीज हो, उन लोगों को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि भाई चाइना को दुनिया में अकेला करना है, चाइना को अगर सब मिल के काउंटर करेंगे तो ही चाइना से हम लोग लड़ पाएंगे, ओके। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि पोस्टपोनमेंट के पहले ही, ओके, सितंबर अक्टूबर से पहले ही अगर ये जो नए कंट्रीज जो है उसको अगर ऑफिशियली G7 का मेंबर बना दिया जाए तो फेस टू फेस मिलने में थोड़ा उनको मज़ा आएगा, और जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं टू काउंटर चाइना वो अच्छे तरीके से उसको वो लोग डिस्कस कर पाएंगे। देखना है आने वाले शायद मोस्ट प्रोबेबली 1 आध महीने में हमें पता चल जाएगा कि कौन से कंट्रीज इंक्लूड हुए। और देखिए, इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है विथ जर्मनी, कैनेडा, इटली, फ्रांस, यूएसए, इन सारे कंट्रीज के सामने इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल मेंबर्स, वो कंटेंडर है कि उसको भी G7 में इंक्लूड किया जाएगा। तो दिस शोज के पिछले सालों में जो इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो कितना ऊपर जा चुका है, ओके, कि भाई चाइना के सामने अगर लड़ना है तो इंडिया को साथ में लिए बिना नहीं चलेगा। और जैसे जैसे इंडिया इन कंट्रीज इन फोरम का हिस्सा बनता है, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ता है, उसका फायदा हर सेक्टर में इंडिया को होगा, ओके। ये सारे कंट्रीज अब अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो अब तक कहाँ करते थे, चाइना में करते थे, अब इंडिया ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, वो आएगा इंडिया में, ओके। चलिए, सो रिसेंटली द यूएसए हैज सजेस्टेड द पोस्टपोनमेंट ऑफ 46th G7 समिट व्हिच वाज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन जून एट कैंप डेविड, यूएसए। तो इस बार का होस्ट कौन है, यूएसए, ये आपको याद रखना है। पिछली बार का होस्ट कौन था, फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट है, ओके। और पिछली बार इंडिया को एज अ स्पेशल इनवाइटी वहाँ पे भेजा गया था। चलिए, एडिशनली द यूएसए प्रेसिडेंट हैज आल्सो प्रपोज द एक्सपेंशन ऑफ द G7 टू बी कॉल्ड G10 और G11। तो G7 में जब कंट्रीज को ऐड किया जाएगा तो वो बनेगी G10 या G11, ओके। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, दो आर G7 कंट्रीज जिसमें इंक्लूडेड है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो ये सारी जो एडवांस्ड जो इकोनॉमीज है वो फॉर्म करती है आपका G7 ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेवन, ओके। द G7 और ग्रुप ऑफ सेवन कंसिस्ट ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड दी यूएसए। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्मड इन 1975। मैंने शायद आपको पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस, जिसमें ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्मड इन 1975 एज एन इनफॉर्मल फॉरम टू डिस्कस दी प्रेसिंग वर्ल्ड इश्यूज। यहाँ पे इकोनॉमी भी डिस्कस होगी, ट्रेड भी डिस्कस होगा, टेररिज्म भी डिस्कस होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। इनिशियली इट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इश्यूज बट लेटर इट फोकस्ड ऑन दी सेवरल चैलेंजेस सच एज ऑयल क्रैशेज इन द 1970s, टेररिज्म्स, आर्म कंट्रोल एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एटसेट्रा। द ग्रुप डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स। तो ये आपको खास याद रखना है कि द ग्रुप डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स। जैसे हमें पता है कि भाई सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है, बट उस तरह से G7 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। द डिसीजन टेकन बाई लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट आर नॉन बाइंडिंग,
ओके, तो वो उसको ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही है. ओके, द जी सेवन नेशंस मीट एट द एनुअल समिट दैट आर प्रेसाइडेड ओवर बाय लीडर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस. तो हर साल एक एक कंट्रीज को होस्ट करेगा. ओके, होस्ट कंट्री ऑफ द समिट. तो इस बार की जो होस्ट कंट्री है वो, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है यूएसए. द होस्ट कंट्री नॉट ओनली होल्ड्स द जी सेवन प्रेसिडेंसी बट ऑल्सो सेट्स द एजेंडा फॉर द ईयर. तो यूएसए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है. ओके, यूएसए ने एजेंडा ही अपना ये बना लिया है कि भाई चाइना को किस तरह से अपने को काउंटर करना है, और इसीलिए यूएसए बाकी सारे कंट्रीज पे ये प्रेशर बना रहा है. ओके, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई आप इंडिया को और रशिया को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए. ओके, चलिए. देखिए, आप जब देखोगे ये मैप तो कैनेडा इज ऑल्सो आर फ्रेंड कंट्री. फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, जर्मनी के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, इटली के साथ भी अच्छे रिलेशन है, जापान के साथ तो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, यूके और यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है. तो इंडिया की कंटेंडरशिप इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है. इट ऑल्सो गेट्स अ चांस टू इन्वाइट डिग्निटरीज फ्रॉम आउटसाइड द जी सेवन टू अटेंड दी समिट. और इसीलिए लास्ट जो समिट थी, 45th जो समिट थी, जो कि फ्रांस में हुई थी, फ्रांस ने ऐसे स्पेशल इन्वाइटी इंडिया को वहाँ पे बुलाया था, जो कि हुई थी बियारिज नाम के शहर में. ओके, फ्रांस के बियारिज नाम के शहर में लास्ट 2019 की जी सेवन समिट हुई थी. वो भी आपको प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है. 2020 में होने वाला है कैंप डेविड यूएसए में. ओके, चलिए. एक्सपांशन ऑफ जी सेवन क्यों ज़रूरी है? द प्रपोज्ड एक्सपांशन हैज सजेस्टेड इंक्लूजन ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया एंड रशिया. अगर रशिया जुड़ता है तो जी 11 बनेगा, अगर ये तीन कंट्रीज जुड़ते हैं तो वो बनेगा जी 10. ओके, इन द ग्रुपिंग ऑफ द लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज. द एग्जिस्टिंग जी 7 ग्रुप हैज बीन कॉल्ड एन आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज एज इट डज नॉट इंक्लूड इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड दस इट बिलीव्ड दैट द ग्रुप डज नॉट फॉलो द करंट वर्ल्ड ऑर्डर. ओके, ये सारी जो कंट्रीज है जो ऑलरेडी जी 7 में है वो ऑलरेडी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं. अगर आपको रियल वर्ल्ड के साथ इशू के साथ लड़ना है तो आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, और इमर्जिंग इकोनॉमीज में कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, रशिया है. ओके, इट इज़ अनक्लियर दैट द प्रपोज्ड एक्सपांशन विल बी परमानेंट और टेम्पररी. हो सकता है कि ट्रंप अपने फायदे के लिए इस साल के लिए इन चारों कंट्रीज को बुला ले, या हो सकता है कि इनको परमानेंट मेंबरशिप भी दी जाए. ओके, री इंक्लूजन ऑफ रशिया. द प्रपोजल टू री एडमिट रशिया इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम G7 मेंबर कंट्रीज. रशिया इज सीन एज एन एलाय ऑफ चाइना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया को ऐड करने में भी दिक्कत है, ऐड ना करने में भी दिक्कत है, ऐड ना करने में ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए हो सकता है कि रशिया को भी ऐड कर लिया जाए. ओके, द G7 वॉज नोन एज द G8 फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द ओरिजिनल 7 वर जॉइंड बाई रशिया इन 1997. और 2014 में रशिया वापस निकल गया था. द ग्रुप रिटर्न टू बींग कॉल्ड G7 After Russia was expelled as a member in 2014 following the annexion of Crimea region of Ukraine. तो यूक्रेन के साथ उसके कुछ बॉर्डर इश्यू चल रहे थे रशिया के, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी वायोलेशन रशिया ने किया था इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए. ओके, सो तभी से रशिया को एक्सपेल कर दिया गया था फ्रॉम द G7 समिट. इंडिया और G7 का क्या रिश्ता रहा है? तो इंडिया हैज अटेंडेड द G7 समिट ऑफ 2019 इन बियारिट्ज इन फ्रांस एज अ स्पेशल गेस्ट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया था. और नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट इश्यूज पे वहाँ पे स्पीच भी दी थी. ओके, मीडिया को एड्रेस भी किया था. इंडिया हैज़ अटेंडेड द G8 5 टाइम्स एज अ स्पेशल गेस्ट बाई वेरियस होस्ट ऑफ द G8 समिट इन द पास्ट. ओके, देखिए, इंडिया भी ये चाहेगा कि रशिया भी इस समिट में, इस प्लेटफॉर्म में जुड़े. क्यों? क्योंकि इंडिया के रिश्ते यूएसए से, यूएसए की कंपैरिजन में रशिया के साथ काफ़ी अच्छे भी हैं और काफ़ी पुराने भी हैं.
रशिया ने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया, यूएसए ने काफी बार हमें धोखा दिया है, ओके, ऑन द एग्जिस्टिंग ट्रीटीज। रशिया ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया है, ओके। हमारे यहाँ जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, मेजोरिटी आर बिल्ट बाई रशियन कोऑपरेशन, ओके। और काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करने में रशियन गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की है। तो इंडिया ये चाहेगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखने के लिए भी अगर इंडिया को बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो रशिया वहाँ पे इंडिया को बैकअप करेगा, ओके। तो 99% रशिया भी यहाँ पे जुड़ेगा, ओके। चलिए, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ G7 एंड G7, ओके। चलिए, और क्यों किया जा रहा है वो तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अटेम्प्ट टू यूनाइट दी अलाइज अगेंस्ट चाइना, सबको चाइना के खिलाफ इकट्ठा करना है। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉपुलेशन एंड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, बट चाइना हैज रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ वेल्थ पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, दस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडवांस्ड इकोनॉमी लाइक अदर G7 मेंबर्स। द एक्सपेंशन ऑफ G7 हैज बीन बिलीव्ड टू बी अ प्लान टू यूनाइट ऑल ट्रेडिशनल अलाइज टू डील विथ असर्टिव डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। द प्रपोजल कम्स एमिड ऑनगोइंग इश्यू बिटवीन द यूएस एंड चाइना, विच इंक्लूड्स हांगकॉन्ग्स ऑटोनॉमी टू ताइवान, द ओरिजिन्स ऑफ COVID-19, साउथ चाइना सी टेंशन एंड ट्रेड इश्यूज। तो ये चारों की वजह से चाइना की गवर्नमेंट की इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काफ़ी उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, और यूएसए इसी इसी अपोजिंग वेव का फायदा उठाना चाहता है, ओके। COVID-19 की वजह से ऑलरेडी सारी कंट्रीज की इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, और सारे कंट्रीज किसको जिम्मेदार मानते हैं, चाइना को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। ऑल्सो हांगकॉन्ग की ऑटोनॉमी के बारे में भी काफ़ी अभी इश्यूज चल रहे हैं, उसके बारे में मैं अलग से आपको लेक्चर में बताऊंगा उस पूरे इशू के बारे में, ओके। तो उसकी वजह से ये एक्सपांशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चाइना को काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले सालों में, ओके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इंडियाज कैंपेन ब्रोशर फॉर UNSC सीट। रिसेंटली इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ कैंपेन ब्रोशर अहेड ऑफ द वोट फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन 2021-22। तो साल 21-22 के लिए यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट के कैंपेन के लिए इंडिया ने पूरा एक अपना ब्रोशर मीडिया के सामने पब्लिश किया है, वो और अलग अलग कंट्रीज को भेजा जाएगा, अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर्स को भेजा जाएगा, ताकि वहाँ पे इंडिया ने अपना पक्ष रखा है, अपनी साइड रखी है कि भाई वाई इंडिया इज नेसेसरी टू बी इन दी यूएनएससी, ओके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का होना क्यों ज़रूरी है, और क्यों बाकी कंट्रीज को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए फॉर द यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर सीट। दिस विल बी द 8th टाइम इंडिया विल ऑक्यूपाई अ नॉन परमानेंट यूएनएससी सीट विथ इट्स लास्ट टर्म इन 2011-12, ओके। तो तब से इंडिया यूएनएससी में मेंबर है। इंडिया ऑल्सो सीक्स फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। तो इंडिया ये चाह रहा है कि भाई अब यूएनएससी में पांच कंट्रीज के साथ साथ और कंट्रीज को भी परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। इंडिया अलोंग विद अदर कंट्रीज G4 ग्रुपिंग दैट इज जापान ब्राजील जर्मनी इज आस्किंग फॉर अ स्पॉट फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, ओके। तो अभी जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो कौन से हैं, चाइना फ्रांस रशिया यूके एंड यूएसए। अब देखिए, परमानेंट मेंबरशिप होने का मतलब क्या है कि आपके पास अपना वीटो पावर होगा, ओके। यू कैन वीटो एनी डिसीजन। अगर इंडिया कुछ रखता है चाहे बाकी सारे कंट्रीज उसको सपोर्ट कर ले, अगर चाइना बोल देगा कि भाई मैं इसके खिलाफ हूँ, तो वो इंडिया का जो भी प्रपोजल है वो पास नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स वाई इंडिया इज आस्किंग कि भाई अब आपकी दादागिरी बहुत हो गई, अब इंडिया भी उस पोजिशन में आ चुका है कि आपको हमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए कंसिडर करना चाहिए। इंडिया के साथ साथ सेम बिड, ओके, सेम परमानेंट सीट के लिए जो डिमांड कर रहे हैं वो और 3 कंट्रीज है, दैट इज जापान ब्राजील एंड जर्मनी। तो देखिए, ये हो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि इन चारों कंट्रीज को एक साथ परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए,
हो सकता है कि साल दर साल या टाइम टू टाइम इन कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। एक्चुअली एक भी कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर बार चाइना इसको अपोज कर दे, और चाइना नहीं चाहता कि यूएसए का स्टेटस जो है, सॉरी इंडिया का स्टेटस जो है वो यूनाइटेड नेशंस में बढ़े, वरना इंडिया बार बार चाइना के लिए मुश्किली खड़ी कर सकता है। ओके, सो इंडिया ये नहीं चाहता, तो देखना है कि आने वाले सालों में इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। इंडिया इज़ अ गारंटीड अ प्लेस एज इट इज़ दी सोल कैंडिडेट फॉर एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया इज़ दी सोल कैंडिडेट, और इसके लिए चाइना ने भी इसको सपोर्ट किया है, और फॉर अ चेंज पाकिस्तान ने भी इस बार हमें सपोर्ट किया है। बट नीड्स 2/3 ऑफ अ 193 मेंबर जनरल असेंबली टू वोट इन दी फेवर इन अ सीक्रेट बैलेट स्केड्यूल्ड फॉर 17 June 2020 इन न्यूयॉर्क। ओके, और इश्यू हाईलाइटेड जो है वो क्या है, जब इंडिया बनेगा, अगर इंडिया यूएनएससी की मेंबरशिप बनेगा तो कौन से इशू को हाईलाइट करेगा। इंटरनेशनल गवर्नेंस हैज़ बीन अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेन ड्यू टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। टेररिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइटेड एग्जाम्पल्स। तो टेररिज्म के बेसिस पे पिछले सालों में देखा गया है कि चाइना और यूएसए आमने सामने आ चुके हैं। ओके, चाइना पिछले दरवाजे से प्रमोट करता है टेररिज्म को, जबकि यूएसए स्ट्रांगली अपोज करता है विद इंडिया कि भाई टेररिज्म को हमें ख़त्म करना है, और इंडिया इज लीडिंग वर्ल्ड कंट्रीज इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अंडर अनरिफॉर्म्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड द COVID-19 पेंडेमिक विथ इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैज़ इंक्रीज्ड चैलेंजेस फॉर द यूएनएससी। इंडिया का सोल्यूशन क्या है इसके लिए, India's objective will be the achievement of norms, that is a new orientation for reformed multilateral system. ये जो system है वो definitely हमें पता है कि काम नहीं कर रही है, and that's why we are not able to solve the global issues smoothly. तो India के पास ideas है कि भाई norms, new orientation for a reformed multilateral system, आपको पूरे का पूरा system ही change करना पड़ेगा, then only you can ask for the permanent and proper solution. India will highlight international terrorism. Okay, जो कि इंडिया का सोल एंड प्राइमरी पर्पज है। यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स को इंडिया प्रोजेक्ट करना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन करना चाहता है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है। स्ट्रीम लाइनिंग दी पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ड्यूरिंग इट्स अपकमिंग टेन्योर। तो इंडिया ये सारी चीज़ों को आने वाले अपने टेन्योर में 2021-2022 का जो उसकी सीट होगी, एक साल का जो टेन्योर होगा, उसमें इन चीज़ों को वो प्रमोट करेगा। ओके, चलिए। सिंस 2013 इंडिया हैज़ बीन प्लानिंग फॉर अ सीट इन 2021 एज द ईयर विल मार्क इट्स 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस साल हमें ये सीट मिलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे। तो एज अ मेमोरेबल जेस्चर इंडिया ये चाहता है कि हमें ये सीट दी जानी चाहिए। आइडेंटिफाइंग एन अनकॉन्टेस्टेड स्पॉट इज एन नॉट एन ईजी टास्क। हावेवर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान अग्रीड टू सेट असाइड फॉर द 21-22 सीट इन अ फ्रेंडली जेस्चर। देखिए, इंडिया का इतना रुतबा है कि अफगानिस्तान में हमने कहा अफगानिस्तान को पैसों की काफ़ी मदद की है। ओके, मॉनिटरी काफ़ी मदद की है, उनका जो संसद भवन है, पार्लियामेंट्री जो हाउस है, वो इंडियन असिस्टेंस से उन पूरा हमने बना के दिया है। तो अफगानिस्तान ने जो इलेक्शन था इसका, उससे अपने आप को अलग कर लिया है, क्यों, ताकि इंडिया को सपोर्ट ज़्यादा मिल पाए। सो अफगानिस्तान ने ये फ्रेंडली जेस्चर दिखा है। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई कौन से कंट्री ने एशिया पैसिफिक रीजन से अपनी जो बिड थी फॉर दी यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबरशिप, उसको वापस ले लिया है। इंडिया ऑल्सो परस्यूएडेड दी एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग नॉमिनेशन by diplomacy and negotiations to avoid any last-minute contenders against India. Okay, India was able to win a unanimous endorsement from the 55-nation grouping that included both China and Pakistan in June 2019. So, almost sare countries ready to support India and to vote for India. However, winning the maximum votes at the General Assembly this time will be a little hard for India due to rising tensions in relations with both Pakistan and China. Criticism for
टर्की, मलेशिया एंड ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओवर गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 एज वेल एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, सीए ने सिर्फ इंडिया में ही बवाल नहीं मचा है, बाकी सारे कंट्रीज को भी इससे दिक्कत है। ओके, और किसी महानुभव ने ये कहा है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये कहा है कि जब सरकार से हर किसी को दिक्कत हो, ओके, सरकार के एक डिसीजन से, तो सरकार वो काम सही कर रही है ऐसा मान लेना चाहिए। तो जैसा हमने इंडिया में देखा है कि सारी अपोजिशन पार्टी को सीए से दिक्कत है या आर्टिकल 370 के हटाए जाने से दिक्कत है, तो अगर अपोजिशन पार्टीज को इससे दिक्कत है तो ये चीज़ सही है फॉर इंडिया, ये हमें मान लेना चाहिए, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, चलो, सिलेक्शन फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैसे होता है? ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2 ईयर टर्म। द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस, 5 फॉर अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, 1 फॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, 2 फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन कंट्रीज, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज। आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर कंसर्न्स द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अदर कंटेंडर्स फॉर अदर सीट्स, मेक्सिको इज एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम द लैटिन अमेरिका ग्रुप, कैनेडा, आयरलैंड एंड नॉर्वे विल कंटेंड फॉर 2 सीट्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप, केनिया एंड जिबोती विल कंटेंड फॉर एन अफ्रीकन सीट। तो देखिए, मेक्सिको भी इंडिया की तरह अनअपोज्ड चुना जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ये 17 जून को इसका इलेक्शन है, तो तब हमें पता चल जाएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नगर वन स्कीम। अभी आपने देखा होगा 5 जून 2020 को क्या गया, कौन सा डे था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2020 की थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, दिस इज द अंडरलाइंड सेंटेंस, ये आपको एग्जाम में सीधे सीधा पूछा जा सकता है, थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। उसी के तर्ज पर, उसी के बेसिस पे, उसी को, इस थीम को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नगर वन स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, नगर का मतलब संस्कृत वर्ड है, नगर का मतलब है सिटी या शहर। तो शहरों में किस तरीके से पेड़ पौधे बढ़ाए जाए, ओके, किस तरह से शहरों या शहरों के आसपास फॉरेस्टेशन किया जा सके, उसके लिए नगर वन स्कीम को लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एक्सटेंशियल, बट इंडिया हैज डिसाइडेड टू फोकस ऑन नगर वन अर्बन फॉरेस्ट इन एडिशन टू द ऑफिशियल थीम। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्सो रिलीज द ब्रोशर ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन अर्बन फॉरेस्ट। ओके, द नगर वन एम्स टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, बाई 2025 वी हैव 200 अर्बन फॉरेस्ट। वारजे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे विल बी कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल फॉर द स्कीम। द स्कीम एनफोर्सिस पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कोलोबोरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, एनजीओज, कॉरपोरेट्स एंड लोकल सिटीजन्स। दीज अर्बन फॉरेस्ट विल प्राइमरीली बी ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड इन द सिटी और एनी अदर वेकेंट लैंड ऑफर्ड बाई लोकल अर्बन बॉडीज। ओके, तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। फिनांस कौन करेगा इसको? द फिनांस फॉर द स्कीम विल बी पेड फॉर बाई दिस कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। द CAF एक्ट वॉज इनेक्टेड टू मैनेज द फंड्स कलेक्टेड फॉर कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन विच टिल देन वॉज मैनेज्ड बाई एन एडहॉक कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा। तो अब तक इसको कैंपा ही मैनेज करता था इस फंड को, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने जो पैसा दिया होगा, ओके, पेड़ पौधे कट करने के लिए और उस लैंड को अक्वायर करने के लिए। सो उस पैसे को अब अर्बन फॉरेस्टेशन में यूज़ किया जाएगा
कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन मीन्स दैट एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज सच एज माइनिंग और इंडस्ट्री द यूजर एजेंसी पेज फॉर प्लांटिंग फॉरेस्ट ओवर एन इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड और वेन सच लैंड इज नॉट अवेलेबल ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड. ओके, मान लीजिए मुझे अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है शहर के बाहर, क्योंकि शहर में तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ेगा इंडस्ट्री खोलना, तो जंगल में अगर गवर्नमेंट मुझे कोई लैंड अलॉट करती है तो वहाँ पे मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे. उस पेड़ की कटाई के लिए मैं गवर्नमेंट को पैसे दूंगा और उसके सामने वो पैसे मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट उस पैसे को इस्तेमाल कर पाए किसी और लैंड पे, नॉन फॉरेस्ट लैंड पे पेड़ उगाने के लिए उसको इस्तेमाल कर पाए. और ये जो फंड पूरा जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, कैंपा, कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, कैंपा. ओके, एज पर द रूल्स 90% ऑफ द CAF मनी इज टू बी गिवन टू द स्टेट्स वाइल 10% इज टू बी रिटेन्ड बाई द सेंटर. तो 90% हर स्टेट को पैसा कौन देगा, CAF देगा, कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड से उनको पैसा दिया जाएगा, और बाकी का जो 10% पैसा जो है वो प्रोजेक्ट के लिए कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को प्रोवाइड करवाएगी. ओके, चलिए और एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिले हैं. राइट विद द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, रशिया की एक रिवर में ऑयल लीकेज का जो इश्यू है सामने आया है, और इसकी वजह से वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो आने वाले काफ़ी सालों के लिए डैमेज रहने की आशंका जताई गई है. रशिया हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी. देखिए कितनी बड़ी ये घटना होगी कि रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है उस रीजियन में. रशिया हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स क्रेंसोयास्क रीजन आफ्टर अ पावर प्लांट फ्यूल लीक्ड कॉजिंग 20,000 टन्स ऑफ डीजल ऑयल टू एस्केप इन टू द एम्ब्रेनिया रिवर. तो एम्ब्रेनिया रिवर में एक पावर प्लांट से 20,000 टन जितना डीजल नदी में जाके बह गया है. ओके, और वो अभी पूरे नदी के पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको दिखा. अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो तो आपने काफ़ी सारे फोटोग्राफ देखे होंगे कि रेड कलर का एक लिक्विड पूरा नदी में आपको बहता हुआ दिख रहा है. तो इसकी वजह से जो पानी में जो ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए, जो शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए, उसमें दिक्कत होगी और काफ़ी सारी वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, पूरी बायोडाइवर्सिटी का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आने वाले कुछ सालों के लिए. ओके, क्रेंसोयार्स्क रीजन इज लोकेटेड इन द वेस्ट एंड स्पेसली पॉपुलेटेड साइबेरियन पेनिनसुला. वहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है. ओके, क्योंकि काफ़ी ठंडा प्रदेश है वो साइबेरियन पेनिनसुला. एंड द एम्ब्रेनिया रिवर इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट फ्लोज into the environmentally sensitive Arctic ocean. Okay, देखिए generally क्या होता है, अगर और कहीं पर होता तो जो डीजल है या क्रूड ऑयल उसको जला दिया जाता, बट यहाँ पर अगर जलाया जाता है तो उससे काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट प्रोडक्शन की वजह से जो आर्कटिक का जो एरिया है, जो नॉर्थ पोल का जो बर्फ वाला जो इलाका है, वहाँ पर वो अगर हीट पहुँचती है तो बर्फ के पिघलने की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगी और बर्फ जल्दी से पिघलने लगेगा. ओके, तो गवर्नमेंट ऐसा, वहाँ की गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती. ओके, द थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच इज़ लोकेटेड नियर नॉरिस्क सिटी नोन एज द कंट्रीज निकल कैपिटल अराउंड 3000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉस्को इज बिल्ट ऑन परमाफ्रॉस्ट विच हैज़ वीकेंड ओवर द ईयर्स ओइंग टू क्लाइमेट चेंज. देखिए अब ये जो पावर प्लांट था वो एक टाइप के परमाफ्रॉस्ट पे बना हुआ था. आपने आपके ज्योग्राफी में आई गेस ये वर्ड सुना होगा, परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई ज़मीन का टुकड़ा अगर दो साल या दो साल से ज़्यादा टाइम के लिए फ्रोजन सिचुएशन में पड़ा हुआ है, फ्रोजन स्टेट में पड़ा हुआ है, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड इज नोन एज परमाफ्रॉस्ट. ओके, this caused the pillars that supported the plant's fuel tank to sink, leading to loss of containment. So global warming और climate change की वजह से क्या हुआ, जो ज़मीन का टुकड़ा इतने सालों से जमा हुआ था, frozen था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा, और पिघलने की वजह से क्या हुआ कि जो pillars थे वो plant के, उनमें थोड़ा बहुत disturbance हुआ और उसकी वजह से वो tank
टूट गया और वहां से लीकेज स्टार्ट हो गया. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, नॉरिल्स्क इज वन ऑफ द मोस्ट हैविली पॉपुलेटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ. देखिए ये काफ़ी हैविली पॉपुलेटेड सिटी है इवन इफ इट इज इन द साइबेरियन रीजियन. ओके, कंसर्न क्या है, द लीक कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोलॉजी. द एम्ब्रेनिया रिवर फ्लोज टू द प्यासिनो लेक एंड रिवर प्यासिना विच कनेक्ट्स इट टू द कारासी अ पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन. तो देखिए ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता और ये ओशन में फैल गया तो फिर इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. द मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऑफ अ डीजल फ्यूल आर लाइट एरोमेटिक्स विच इन सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज विल नेवर लेस डिजॉल्व इन वाटर एंड कैन इन नो वे बी कलेक्टेड. तो बेंजीन है, टॉल्यूइन है, इथाइल बेंजीन है या जाइलिन जैसे जो सब्सटेंसेज है वो ना तो डिजॉल्व होंगे ना ही उसको ईजिली कलेक्ट किया जाएगा. मतलब वो आने वाले सालों साल तक उस पानी में हमेशा मौजूद रहेंगे जो कि वहाँ की लोकल इकोलॉजी को बुरी तरह से वर्स्टली इफेक्ट करेंगे. ओके, डैमेजेस टू द आर्कटिक वाटरवेज ड्यू टू द स्पिल कुड बी एटलीस्ट ओवर 76 मिलियन US डॉलर. द एस्टिमेट डज नॉट इंक्लूड एटमोस्फियरिक डैमेज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड सॉइल पॉल्यूशन. तो सॉइल का पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज जो इससे प्रोड्यूस होंगे उसको यहाँ पे नहीं गिना गया. स्टिल इट इज 76 मिलियन US डॉलर्स. ओके चलिए, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटलिस्ट द रिवर वुड बी डिफिकल्ट टू क्लीन गिवन इट्स शैलो वाटर एंड रिमोट लोकेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिल. तो इतना ज़्यादा 20,000 टन जितना जो डीजल है वो फैल गया है. अब ये रिवर है वो काफ़ी लोनली रीजन में है. ओके, काफ़ी रिमोट लोकेशन पे है इसलिए वहाँ पे सारी मशीनरी ले जाना भी इतना इजी नहीं होगा. द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डिस्क्राइब दिस एज द सेकेंड लार्जेस्ट नोन ऑयल लीक इन मॉडर्न रशियाज हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. इट इज़ ओनली एक्सीडेड बाय अ क्रूड ऑयल स्पिल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ कोमी दैट टुक प्लेस ओवर सेवरल मंथ्स इन 1994. तो ऐसा ऑलरेडी एक ऑयल लीक हो चुका है इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ कोमी और वो हुआ था 1994 में. तो 25-26 साल बाद देखिए आज वापस ऐसा ऑयल लीक रशिया में देखने को मिला है. और परमाफ्रॉस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि मैंने आपको समझाया. द ग्राउंड दैट रिमेन्स फ्रोजन फॉर टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इज कंसिडर्ड एज परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स एंड वेरिंग अमाउंट्स ऑफ आइस दैट बाइंड एलिमेंट्स टुगेदर. Some permafrost is frozen for tens, hundreds and even for thousands of years. तो देखिए जनरली परमाफ्रॉस्ट लंबे समय के लिए फ्रोजन रहते हैं बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट की भी बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघल रही है और इसकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है परमाफ्रॉस्ट का वो चेंज हो रहा है और उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन आपने किया होगा उसको उसकी असर देखने को मिलेगी. ओके चलिए, आई होप द एंटायर टॉपिक इज नाउ क्लियर. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने लिए वो है इंडिया ने पार्ट लिया है ग्लोबल वैक्सीन समिट में. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट. द समिट वॉज होस्टेड बाई द यूनाइटेड किंगडम और 50 से ज़्यादा कंट्रीज के लीडर्स ने, बिजनेस लीडर्स ने, UN एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, सिविल सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्ट लिया. ओके, और गवर्नर प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस भी किया फ्रॉम इंडियन प्लेटफॉर्म. द समिट वॉज इंटेंडेड टू अर्ज नेशंस अराउंड द वर्ल्ड टू प्लेज फंडिंग फॉर वैक्सीनेशंस टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्चुअस डिजीजेस. देखिए COVID-19 हमें पता चल चुका है कि कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी USA के पास है या चाइना के पास है, बेसिक वैक्सीन जो होनी चाहिए उसको ढूंढने में कम से कम एक साल का समय लगेगा. ओके, देखिए पिछले दिसंबर से अगर ये हम गिनना स्टार्ट करें कि COVID-19 आउटब्रेक हुआ था, अगले दिसंबर तक हमें वैक्सीनेशन आती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट अभी होने बाकी है. USA ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने डोजेस बना लिए हैं बट उसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है. ओके, और तो कम से कम एक साल का टाइम लगेगा और इतने में तो कितने लोगों की मौत हो जाएगी. तो इसीलिए ये जो ग्लोबल वैक्सीन समिट का एम था वो ये था कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करो ताकि जो साइंटिस्ट है वो आने वाले फ्यूचर आउटब्रेक्स के लिए
एडवांस में वैक्सीनेशन को रेडी करके रख सके, या तो अगर नहीं तो उस पर रिसर्च कर सके कि भाई हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है या ऐसा भी कुछ आने वाले सालों में हो सकता है. द समिट वॉज एम्ड एट रेजिंग 7.4 मिलियन यूएस डॉलर टू इम्यूनाइज अ फर्दर 300 मिलियन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज बाई 2025. इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इंडिया हैज प्लेज्ड 50 मिलियन यूएस डॉलर एज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन. उसका पूरा नाम है गावी. ओके, गावी आपको एग्जाम में सीधे सीधा पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है उसका पूरा नाम, जो कि जुड़ा हुआ है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के साथ. गावी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स टूगेदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स टू क्रिएट इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन. इंडिया हैड ऑल्सो मैंशनड दैट इट हैज शेयर्ड इट्स स्टॉक ऑफ मेडिसिन विथ ओवर 120 कंट्रीज इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक. ओके, और एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं आज के लिए, दैट इज ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम. द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE jointly launched an online portal called the Urban Learning Internship Program, और उसका पूरा नाम दिया गया है ट्यूलिप. ओके, तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे उनको इंटर्नशिप का ये बेसिकली प्रोग्राम है. द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री. कॉन्सेप्ट क्या है? ट्यूलिप हैज बीन कंसीव्ड परस्यूंट टू द बजट 2021 अनाउंसमेंट अंडर द थीम एस्पिरेशनल इंडिया विच लेड एम्फसिस ऑन चेंजिंग द अप्रोच ऑफ एजुकेशन फ्रॉम डूइंग बाय लर्निंग टू लर्निंग बाय डूइंग. ओके, अगर हमारे यहाँ देखिए एजुकेशन सिस्टम के, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बंदे को मैं पूछ लूँ कि भाई तीन चीज़ें सामने रखे कि भाई इसमें से रेजिस्टेंस कौन सा है और कैपेसिटर कौन सा है, तो 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जो उसका डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि भाई रेजिस्टेंस क्या काम करता है और कैपेसिटर क्या काम करता है. तो ये क्यों होता था? क्योंकि हम डूइंग बाय लर्निंग के मेथड से चलते थे. ओके, पहले पढ़ लो थियरी, फिर जब नौकरी मिलेगी तब उसका एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वो हम सीखेंगे. बट गवर्नमेंट ये चाहती है, इसको बदलना चाहती है. ओके, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही आप इंटर्नशिप करो, ताकि एक्चुअल मार्केट में जाने से पहले यू शुड हैव सम हैंड्स ऑन नॉलेज, और उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी मिलेगा. एरिया ऑफ वर्क क्या रहेगा? द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स विच रेंज फ्रॉम पोजिशंस इन अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड डिजिटल गवर्नेंस अमॉन्ग अदर्स. एलिजिबिलिटी क्या होगी? एप्लीकेशंस मस्ट बी इंडियन सिटीजन who have completed their final year of college within at last 18 months and have a degree of BTech, B-Planning, BR, BA, BSc, BCom or LLB. Duration kya rahega? Internship durations can range from 8 weeks to 1 year. Benefit kya milenge isko? It would help enhance the value to market of India's graduates and potential talent pool bhi isse bahar aayega. Okay, government ko agar lagta hai ki bhai ye theek se kaam kar raha hai, तो उसको अच्छी जगह प्लेसमेंट गवर्नमेंट दिला सकती है या गवर्नमेंट उसको परमानेंट एक पोजीशन ऑफर कर सकती है. ट्यूलिप वुड आल्सो बेनिफिट अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज. वैसे ही मैन पावर की शॉर्टेज रहती है. ओके, अर्बन लोकल बॉडीज में तो अगर कोई इंटर्न मिल जाएगा उनको तो वो सारा जो एक्स्ट्रा काम है वो भी ईजिली कर सकेगा. इट विल लीड टू इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश आइडियाज एंड एनर्जी विथ एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन को क्रिएशन ऑफ सोल्यूशंस for solving India's urban challenges. The Tulip's launch is also an important stepping stone for fulfillment of MHRD and AICTE's goal of 1 crore successful internship by year 2025. आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ interns को internship provide की जाएगी, ऐसा goal है MHRD का और AICTE का. So this is all about your Tulip internship. और स्मार्ट सिटी मिशन तो हम 2014 से पढ़ते आ रहे हैं. इट इज़ एन इनोवेटिव इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाई इनेबलिंग लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू क्रिएट स्मार्ट आउटकम्स फॉर सिटीजन्स। तो कैसे आपके शहर को बेहतर बनाया जाए वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, उसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था ताकि सिटीजन्स को बेहतर लाइफ मिल सके, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके, ओके, टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन्स, अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशंस। कवरेज एंड ड्यूरेशन क्या रहेगा, द मिशन कवर्स 100 सिटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फिनेंशियल ईयर 2015 टू 2019-20। तो ये 5 सालों के लिए ये प्रोजेक्ट था, उसको आने वाले 5 सालों के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ओके, और इसको फाइनेंस पूरी तरह से कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। चलिए, इसके लिए आपका होमवर्क है कि गुजरात में कौन से सिटीज को स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर प्रिपेयर किया जा रहा है उसकी लिस्ट आपको मुझे बतानी है, ओके। चलिए, तो ये था आपका आज का लेक्चर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दी वीडियो इट सेल्फ, आई विल एड्रेस योर डाउट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।